मुहर्रम के जुलूस में लहराया फिलिस्तीन देश का झंडा। पुलिस ने लिया एक्शन, झंडा जब्त कर लहराने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया। अपना मंथन के तमाम दर्शकों को विजय पांडे का सादर नमस्कार। शहर और गांव की खास खबर के लिए आप देखते रहें अपना मंथन। जो हमारे चैनल पर नए हैं, हम उन्हें कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शहर और गांव की खास खबर तथा प्रेरक कथाओं के लिए आप निरंतर हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद। रविवार की संध्या धमौल बाजार में निकल गए मुहर्रम के जुलूस में एक अजीबोगरीब वाक्या उभर कर सामने आए हैं, जिसे सुनहर कोई सकते में है। नवादा जिले के नवादा, शेखपुरा, जमुई सीमा पर अवस्थित धमौल बाजार में रविवार की संध्या निकाले गए मुहर्रम जुलूस में शरारती तत्वों द्वारा फिलिस्तीन देश का झंडा लहराए जाने लगा, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। मामले की सूचना पर पकरीब्रावा SDPO महेश चौधरी ने त्वरित कार्रवाई कर एक घर में छापेमारी कर झंडा सहित 3 शरारती तत्वों को हिरासत में लिया है। इस बाबत अग्रेतर कार्रवाई आरंभ की गई है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति सहित ट्विटर के माध्यम से भी घटना की पुष्टि की है। बताया जाता है कि धमौल बाजार में रविवार की संध्या तकरीबन 5 बजे डंका बजाते हुए कई रंगों के झंडों लिए मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। अचानक जुलूस में फिलिस्तीन देश का झंडा लहराने लगा। दूसरे देश के झंडा लहराते देख बाजार वासियों ने सूचना पुलिस को दी। सूचना के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार, पकरीब्रावा SDPO महेश चौधरी ने काफी मशक्कत के बाद अपने अन्य सहयोगी पुलिस सकिल इंस्पेक्टर सुरेश राम, पकरीब्रावा थानाध्यक्ष अजय कुमार के साथ एक घर में छापामारी कर न केवल प्रयोग में लाए गए झंडे बल्कि लहराने वाले 3 शरारती तत्वों को भी हिरासत में लिया है। इस बाबत SDPO ने बताया कि अग्रेतर कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। जल्द ही शरारती तत्वों को जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही धमौल बाजार व आसपास के क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ा दिया गया है। मामले को लेकर क्या बोले SDPO, डालते हैं एक नजर। कल दिनांक 15/7/2024 को धमौल थाना अंतर्गत संध्या 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि धमौल बाजार में बिना लाइसेंस का एक छोटा सा जुलूस निकला है, जिसमें अन्य राष्ट्र के झंडे को दिखलाया गया है। तत्क्षण SDPO पकरीब्रावा के नेतृत्व में सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा देर रात्रि तक मेहनत करते हुए प्रयुक्त झंडा को बरामद कर लिया गया है एवं 3 लोगों को निरुद्ध किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावे अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।